हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, और साथ ही साथ में उसके कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन साइट पे, उसका एक बेसिक किस तरीके से हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होता है या रिस्क असेसमेंट होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट के बारे में है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिसको हम लोग हिरैक स्टडी भी बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे हिरैक स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हजार्ड्स के साथ। हजार्ड मतलब क्या है दोस्तों? हजार्ड मतलब ऐसी कोई भी घटना या फिर सिचुएशन या फिर कंडीशन या फिर किसी बंदे की एक्टिविटी जिसमें आपको हार्म पहुँचाने का पोटेंशियल है, ऐसी कोई भी चीज़ उसे हम लोग क्या कहते हैं? हज़ार्ड कहते हैं। और हज़ार्ड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हज़ार्ड्स जिसके वजह से आपको सिकनेस होती है, आपको हार्म पहुंचता है या फिर इंजरी होती है या प्रॉपर्टी डैमेजेस होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करती है उसे हम लोग हज़ार्ड बोलते हैं। उसके साथ में अभी टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स, अभी वहाँ पे दोस्तों वर्क प्लेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हज़ार्ड्स होते हैं जो खास करके कैटेगराइज हुए हैं फिज़िकल हज़ार्ड्स, केमिकल हज़ार्ड्स, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स, अर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स। इन चार कैटेगरीज में बेसिकली हज़ार्ड्स डिवाइड होते हैं। सो दोस्तों, फिज़िकल हज़ार्ड्स क्या होते हैं? सबसे ना पहले तो फिज़िकल हज़ार्ड्स एक वर्क प्लेस फैक्टर्स या एजेंट्स हम जिन्हें कह सकते हैं, या फिर कुछ वर्क प्लेस सर्कमस्टेंसेज जिसके वजह से हमारे बॉडी को इंजरी पहुँचती है या फिर हमारे बॉडी के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं इन एजेंट्स के थ्रू या इन वर्क प्लेस फैक्टर्स की वजह से। जैसे कि वर्क प्लेस फैक्टर्स में नॉइस, वाइब्रेशन, प्रेशर, रेडिएशंस, ये सारी चीज़ें, या फिर डिफेक्टिव इल्यूमिनेशन, लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। और ये किस तरीके से हमें हार्म पहुंचाती है वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे भी वर्क प्लेस में जहाँ पे नॉइस लेवल ये बहुत ज़्यादा है, 100+ डेसिबल वर्क प्लेस का नॉइस लेवल है और हम वहाँ पे कंटिन्यूसली 8 घंटे या फिर 10 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें बहुत सारी फिज़िकल इंजरीज हो जाएंगी। जैसे कि हमारा हेडेक हो गया या फिर हमें इरिटेशन होगी, यस, या फिर ग्रेजुअली अगर हम प्रोलॉन्ग एक्सपोजर तक इस नॉइस लेवल में काम करते रहेंगे विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन तो हमें डिफनेस भी आ सकती है, हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। ये एक एग्जांपल था फिज़िकल फैक्टर्स या फिर फिज़िकल हज़ार्ड्स जो वर्क प्लेस में होते हैं जिससे हमें इंजुरी या फिर इलनेस होती है। बट ये इंजुरी इलनेस होने के पीछे ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ये वर्क प्लेस एजेंट्स के थ्रू हमारे बॉडी में होती है जिसकी वजह से हमें हार्म या फिर इलनेस होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड। केमिकल हज़ार्ड टाइप ऑफ के हज़ार्ड्स होते हैं दोस्तों जिसमें डस्ट है, गैसेस है, वेपर्स है, फ्यूम्स है, मिस्ट है या फिर लिक्विड्स है, राइट, वेपर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट या फिर केमिकल बेस्ड एजेंट्स का यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, वो हमारा ऑफिस एरिया जहाँ पे क्लीनिंग एजेंट्स हम केमिकल्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो ऐसे जहाँ जहाँ पे केमिकल का यूज़ होता है वहाँ वहाँ पर हमारा एक्सपोजर केमिकल एजेंट्स के साथ होता है दोस्तों। सारे केमिकल प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के साथ एक्सपोजर में आने की वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे या फिर बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, जिससे हमें इंजुरीज पहुंचती है। जैसे कुछ एसिडिक प्रोडक्ट अगर हमारे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आ गए तो हमें स्किन बर्न जैसे सीरियस इंजुरी भी हो सकती है, या फिर कुछ टॉक्सिक गैसेस या फ्यूम्स अगर एक्सपोजर में आ रहे हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम पे भी उसका सीरियस इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो इस टाइप से केमिकल एजेंट्स जो भी वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करते हैं अगर विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन या अवेयरनेस के हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ बिग हज़ार्ड टू अस। तो ये हो गए केमिकल हज़ार दोस्तों। तो नेक्स्ट हज़ार जो है वो है बायोलॉजिकल टाइप ऑफ हज़ार। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, फंगस है, पैरासाइट्स है, या कुछ इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करते हैं, राइट, वो ये सारे एजेंट जो है जब हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं या एक्सपोजर में आते तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस, सिकनेसेस होती है, यस। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आती है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे वायरस से इन्फेक्शंस या एलर्जीज स्प्रेड होती है, राइट, कंटेजियस भी होते हैं कुछ वायरसेस जिससे इन्फेक्शन होता है। जैसे हमने रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया कोरोना वायरस जो कि वाइड स्प्रेड हुआ था वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वर्क प्लेस में थी जिससे ह्यूमन बींग्स
बीमार होते हैं या सिक होते हैं, वो सारे एजेंट्स जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स में कंसिडर होते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कैटेगराइज्ड हज़ार्ड जो वर्क प्लेस पर हमें आइडेंटिफाई होता है दोस्तों, वो है अर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स। अर्गोनॉमिकल हज़ार्ड्स बेसिकली हमारे वर्क प्लेस या फिर वर्क स्टेशन से रिलेटेड होते हैं, खास करके हमारा बॉडी पोस्चर, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कैसा है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कंसिडर होती है दोस्तों, और जो कि हमारे फिज़िकल हेल्थ पे बहुत सारा इम्पैक्ट करती है। अगर हम कोई एक्टिविटी रिपीटेटिव कर रहे हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ मतलब हमारा फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उससे हमें बॉडीली इंजरी हो सकती है, खास करके जिसे हम बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स मतलब हमारे मसल्स या फिर बोन्स से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो इस टाइप के पुअर अर्गोनॉमिकल कंडीशंस के वजह से वर्क प्लेस पर होते हैं दोस्तों। और जिसमें कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जैसे कि पुअर मैनुअल हैंडलिंग या फिर लिफ्टिंग टेक्निक्स के वजह से या हेवी लोड लिफ्टिंग टेक्निक के वजह से क्या होता है, हमें लोअर बैक पेन होता है। ये कॉमनली आइडेंटिफाइड एक एर्गोनॉमिकल हजार्ड या फिर जिसकी वजह से होने वाली इंजरी हम वर्क प्लेस में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रिस्क क्या है। रिस्क ये एक कॉमन वर्ड है जो हम हमारे रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं बहुत बार। तो एक्चुअली रिस्क है क्या? रिस्क मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से या फिर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी जिसके वजह से किसी भी टाइप का डैमेजेस, लॉसेस या पर्सनल इंजरी होने के चांसेस है या हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़, घटना या किसी भी टाइप का वर्क जिसके वजह से लॉसेस या पर्सनल इंजरी होने के चांसेस है, ऐसा कोई भी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिस्क जो चीज़ है वो ऐसा हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि वो ऐसी कोई भी चीज़ या फिर रिस्क होने के कितने चांसेस या फिर कितनी प्रोबेबिलिटी या फिर लाइकलीहुड हम जिसे बोलते हैं, लाइकलीहुड मतलब कितना मोर ऑफन हो सकता है, और उसी के साथ में उसका किस तरीके से सीवियरिटी, सीवियरिटी मतलब वो अगर रिस्क हम लेंगे उससे अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो उस कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट कितना होगा, राइट? ये दो चीज़ों पे रिस्क डिपेंड करता है दोस्तों। एक तो उसकी वो दुर्घटना होने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी या फिर लाइकलीहुड जिसे हम बोल रहे हैं, और दूसरा चीज़ उस इंसिडेंट या उस एक्सीडेंट से होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर जिसे हम इम्पैक्ट्स बोल रहे हैं उस एक्सीडेंट का, वो कितना सीवियर है, इन दो चीज़ों पर रिस्क डिपेंड करता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों रिस्क को कॉम्बिनेशन कहा गया है ये दो चीज़ों का, एक तो लाइकलीहुड ऑफ द इंसिडेंट और दूसरा चीज़ उसका सीवियरिटी मतलब इम्पैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो रिस्क का एग्जांपल क्या होता है, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेशन के दौरान, प्रोसेसेस के दौरान जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है और उससे होने वाले जो इम्पैक्ट्स है, ये क्या है, एक एग्जांपल है रिस्क का, राइट? ये डिपेंड करता है किस टाइप से पोल्यूशंस जनरेट हो रहा है, किस तरीके से वो हैंडल हो रहा है, किस तरीके से पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं प्रोसेस के दौरान, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सीवियरिटी या फिर इम्पैक्ट कितना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लाइकलीहुड का जो रेटिंग है जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसका रेटिंग क्या होता है, वो आप जानने का कोशिश करेंगे। तो रेटिंग जो है 1 to 5 रेटिंग्स यहाँ पे आपको चार्ट पे दिख रही होगी, जिसकी रेटिंग जो है उसके इंटेंसिटी, उसका जो प्रोबेबिलिटी है होने का ऑन साइट वो कितना है, उसके ऊपर इसकी रेटिंग डिफाइन होती है। अभी मान लो रेटिंग 1 के लिए यहाँ पे आपको चार्ट में क्या दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो है नेवर, मतलब वो घटना कभी भी नहीं हो सकती है काम के दौरान, कि साल में कभी भी नहीं हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है होने की, तो उसको 1 रेटिंग दिया गया है। सेकंडली रेटिंग 2 में क्या देख रहे हो आप कि वो जो घटना होने वाली है वो उसके जो चांसेस है वो रेयर है। रेयर का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है कि इट इज़ वंस अ ईयर, ऐसी कोई भी घटना होने के चांसेस अगर साल में एक आधे बार है तो उसको हम रेटिंग 2 दे रहे हैं, जिसको रेयर इंटेंसिटी बोला जा रहा है। अगर इंटेंसिटी ओकेजनल है तो उसको रेटिंग 3 दिया जा रहा है। ओकेजनल का डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताया गया है कि समटाइम्स ऑकर्ड, वो कोई भी घटना या फिर दुर्घटना जिसे हम बोल रहे हैं कि होने के चांसेस वो वंस अ मंथ है, तो ऐसी कोई भी घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ओकेजनल, और उसको रेटिंग दिया जा रहा है 3। और अगर कोई घटना मोर ऑफन हो रही है मतलब बार बार हो रही है, राइट, तो उसको रेटिंग दिया गया है 4 या फिर 4, और इसी के साथ में वो रिलेटिवली होता है इसीलिए वंस अ वीक। तो ऐसी होने वाली घटने को या फिर प्रोबेबिलिटी को, चांसेस को हम लोग बोल रहे हैं मोर ऑफन। और कैटेगरी जो नेक्स्ट है वो है फ्रीक्वेंट,
जिसको हम रेटिंग हाई रेटिंग दे रहे हैं नंबर 5, यस, वो क्या है कि वो जो घटना होने वाली है वो मोर ऑफन है, ऑलमोस्ट एवरी डे घटने वाली वो घटना है, तो ऐसे चीज़ों को जो प्रोबेबिलिटी है मोर ऑफन होने की या फिर फ्रिक्वेंट होने की, उसे हम लोग रेटिंग दे रहे हैं रेटिंग 5। दोस्तों जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो ये जो लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस का जो रेटिंग हमने अभी देखा कि रेटिंग नंबर 1 से लेके 5 तक, ये डिपेंड कर रहा है उसकी इंटेंसिटी और उसके फ्रिक्वेंसी, यस, वो कितना फ्रिक्वेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी रेटिंग। तो जब भी हम रिस्क असेसमेंट करेंगे या करते हैं तो हमें ये रेफरेंस यूज़ करना है। दोस्तों ये हो गया लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंसेस। अभी देखेंगे कि सिवेरिटी मतलब जो इम्पैक्ट है किसी भी इंसिडेंट या किसी भी घटना का, वो किस तरीके से मेजर होता है, उसकी रेटिंग्स क्या है, उसको भी 1 से 5 रेटिंग तक उसको कैटेगराइज किया गया है डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। जैसा कि मान लो आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि अगर रेटिंग 1 है तो हम किस वक्त देते हैं नथिंग और निग्लिजिबल, यस, किसी भी टाइप का डैमेज या निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डैमेज किसी भी घटना के थ्रू होता है, जैसे कि मान लो माइनर वूंड्स है या स्मॉल इंजुरीज है या डिस्कम्फर्ट हो गया, ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ अ निग्लिजिबल सिवेरिटी, राइट, तो उसको रेटिंग दिया गया है 1। और दोस्तों रेटिंग 2 की जो इंटेंसिटी है वो है स्लाइट इंटेंसिटी, जिसमें कहा गया है कि हेल्थ डिस्टर्बेंस या फिर सफरिंग डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द इंसिडेंट हैपन, जिसमें स्मॉल कट हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, सेंसेशन हो गया और या फिर वर्थलेसनेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो सिम्टम्स है या फिर फ्रिक्वेंसी है उसको हमने कैटेगरी किया गया है सिवेरिटी के इसमें स्लाइट, यस, उसकी रेटिंग होगी 2। और मीडियम इंटेंसिटी को, जिस सिवेरिटी की इंटेंसिटी जो मीडियम है, जैसे कि लाइट इंजुरी हो गई या फिर केसेस हो गए या फिर लाइट वूंड्स, डिजीनेस, एनीमिया, यस, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, इस कैटेगरी का कोई भी इंसिडेंस होने के बाद जो सिवेरिटी या फिर इंटेंसिटी रहेगी वो मीडियम रहेगी दोस्तों, उसका रेटिंग रहेगा 3। रेटिंग 4 दिया गया है सीरियस इंजुरी या फिर इंसिडेंट को, जैसे कि लॉस्ट टाइम इंसिडेंट्स हो गए, यस, जिसमें लैसेशन हो गया, बर्न्स हो गया, क्रोनिक डिसीजेस हो गए, ये सारे जो है वो लॉस्ट टाइम इंजुरी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, और जिसको हमने इंटेंसिटी दिया गया है सिवेरिटी, तो उसका रेटिंग हो गया 4। और सबसे हाई रेटिंग जो दिया गया है सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में, उसको 5 दिया गया है, जो कि फैटल इंजुरीज, फैटलिटी मतलब डेथ, राइट, तो फैटल वूंड्स, एम्पुटेशन, इंटॉक्सिकेशन, ये सारी जो एग्जांपल्स है या फिर इंडिकेशंस है, ये सारी इंडिकेशंस जो है वो फैटल इंजुरी या फिर फैटल सिवियरिटी के है, जो कि किसी भी घटना के थ्रू हो सकती है। तो ये कैटेगरी 1 to 5 जो सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की यहाँ पे बताई गई है, वो हमने रिस्क असेसमेंट करने के टाइम पे रेफर करनी है दोस्तों रिस्क असेसमेंट में एग्जैक्टली हम लोग करते क्या है, हमें एग्जैक्टली रिस्क असेसमेंट में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, उसी के साथ में जो रिस्क फैक्टर्स है एसोसिएटेड विद किसी भी एक्टिविटी के, जिसके वजह से किसी भी टाइप का हार्म या फिर डैमेज होने के चांसेस है, इस टाइप से जो भी हज़ार या फिर रिस्क फैक्टर्स वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन इवेल्युएशन करना है, जो कि मैट्रिक्स हमने अभी देखा, उनके लाइकलीहुड रेटिंग और सिवेरिटी रेटिंग के माध्यम से हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है वो पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। और मान के चलो कि अगर किसी टाइप से हम लोग वो हजार्ड कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते वर्कप्लेस से, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उन कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम पे काम करना होगा या फिर थिंक करना होगा, कंसिडर करना होगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट हजार्ड की जो सिवेरिटी है वो हाई लेवल से कम एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेबल लेवल तक उसको लाया जाए, इस तरीके से कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम का कंसिडरेशन होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक साइड में आपको लाइकलीहुड ऑफ द ऑकरेंसेस दिख रहा होगा और दूसरी साइड में आपको दिख रहा होगा सिवियरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। तो सिवियरिटी रेटिंग और लाइकलीहुड रेटिंग हमने अभी देखी पहले ही, जो कि 1 से 5 तक हमने उसको रेट किया है डिपेंड अपॉन द उसका ऑकरेंसेस या इंसिडेंस होने के प्रोबेबिलिटी के ऊपर पे। और सिमिलरली हमने देखा कि सिवेरिटी जो कॉन्सिक्वेंसेस की है घटना होने के बाद, वो रेटिंग 1 से लेके रेटिंग 5 तक किस तरीके से उसका इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब हम
ये रिस्क इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, तो हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन में उसका जो फाइनल रेटिंग आ रहा है, यस, जो फाइनल फाइनल इवैल्यूएशन आ रहा है रिस्क फैक्टर का, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है वहाँ पे सिवेरिटी रेटिंग 1 है और उसका होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो है 1, तो उसकी रेटिंग आएगी 1 × 1 इक्वल टू 1। मतलब उसका 1 ये क्या आया, रिस्क फैक्टर आया, ठीक है। उसी तरीके से मान के चलो कि भाई फॉर एग्जाम्पल सिवेरिटी रेटिंग 3 है और उसकी लाइकलीहुड जो है वो है 4, तो 3 × 4 उसकी रिस्क रेटिंग आ गई 12। क्रॉस सेक्शंस लेना है दोस्तों अपने को यहाँ पे सिवेरिटी और लाइकलीहुड के क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। अभी मान लो सीरियस सिवेरिटी रेटिंग सीरियस है मतलब 4 और लाइकलीहुड है फ्रिक्वेंट मतलब वंस इन अ वीक, यस, इस सिनेरियो में इसका क्रॉस सेक्शन आएगा 4 × 5 20, मतलब इसकी रिस्क रेटिंग जो आई वो है 20, ठीक है। उसी तरीके से मान लो सिवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस 5 है और फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो इसकी रिस्क रेटिंग आ गई 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है क्रॉस सेक्शंस लाइकलीहुड और सिवेरिटी का दोनों कंसिडर करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से रिस्क सिवेरिटी मैट्रिक्स को और सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, ये जो टेबल है लाइकलीहुड इनटू द कॉन्सिक्वेंसेस, ये कैटेगराइज करता है कि रिस्क लेवल क्या है, लो है, हाई है, मॉडरेट है या फैटल है, राइट, या एक्सट्रीम है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम चार्ट यूज़ किया गया है, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस, यस, सो वो उसकी फ्रिक्वेंसी लाइकलीहुड की, उसी तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है कॉन्सिक्वेंसेस का वो रेटिंग 1 से लेके रेटिंग 5 तक। यहाँ पे ये जो चार्ट में आपको दिखाया गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो क्या है, उसकी रिस्क रेटिंग है लो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम, राइट, एक्सट्रीम मतलब फैटल। और यहाँ पे देख सकते हो आप कलर कोड में यहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड किया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया गया है लो रिस्क रेटिंग के लिए, मतलब जिसका रिस्क रेट ये 1 to 5 के बीच में आएगा उस कैटेगरी को हमने लो रिस्क कैटेगरी कहा गया है। और येलो कलर यूज़ किया गया है मॉडरेट रिस्क, जिसको 6 से 10 के बीच में जो रेटिंग आ रहा है रिस्क का इवैल्यूएशन करने के बाद, उसको हमने मॉडरेट रिस्क कहा गया है। उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज कलर हाई रिस्क के लिए हमने यूज़ किया है, 12 से लेके 16 रेटिंग अगर रिस्क सिवेरिटी मैट्रिक्स के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे तो। और रेड जो कलर यूज़ किया गया है वो एक्सट्रीम रिस्क के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि रेटिंग 20 से लेके 25 के बीच में जो रेटिंग आ रहा है रिस्क रेटिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे हमें सीरियस कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होता है दोस्तों। सो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बेसिकली रिस्क इवैल्यूएशन या फिर रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अभी रिस्क असेसमेंट का एक जेनेरिक टेम्पलेट किस तरीके से होता है, खास करके आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, हमें तो सबसे पहले हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना है, उसको लिस्ट डाउन करना है, उसी के साथ में उस हज़ार्ड से एसोसिएटेड किस टाइप के इम्पैक्ट्स है, वो इम्पैक्ट्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर है या वो इम्पैक्ट्स करता है प्रॉपर्टी या मटेरियल के ऊपर या सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ऊपर, उस स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है दोस्तों। और इसी के साथ में जो आपकी इनिशियल रेटिंग है रिस्क रेटिंग लो, मीडियम, हाई या एक्सट्रीम, वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। उसी के साथ में जब आप किसी टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम वहाँ पे लेके आते हो वो हज़ार्ड कंट्रोल करने के लिए, रिस्क कंट्रोल करने के लिए, वो यूज़ करने के बाद आपकी जो रिस्क रेटिंग है उसका लेवल क्या आता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क, ठीक है। तो वो रेसिडुअल रिस्क आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके मेंशन करनी होती है दोस्तों। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट के बारे में यहाँ पे मैंने बताया। अभी हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम्स हज़ार्ड्स के बारे में। हायरार्की ऑफ कंट्रोल, हायरार्की ऑफ कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे पास्ट स्टेजेस में किसी भी हज़ार्ड या रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द हज़ार्ड फ्रॉम साइट, जैसे कि हम फिजिकल रिमूवल ऑफ द हज़ार्ड, मतलब हज़ार्ड को हमारे वर्क प्लेस से हटा देना कम्प्लीटली, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ हज़ार्ड। उसके बाद आता है स्टेप, अगर एलिमिनेशन ऑफ हज़ार्ड इज़ नॉट पॉसिबल तो ऐसे सिनेरियो में आपको सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है। अगर आप मान लो हाईली करोजिव प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो लेस करोजिव प्रोडक्ट या फिर माइल्ड करोजिव प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग पर्पज़ आपको यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस द हज़ार्ड, यस, विथ लेस हज़ार्डस मटेरियल या बोल सकते हो या इक्विपमेंट बोल सकते हो या एक्टिविटी बोल सकते हो। और उसके बाद में आएगा इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आप
पीपल्स और हजार्ड, ये दोनों को सेपरेट कर रहे हो, आइसोलेट कर रहे हो, जैसे बाय प्रोवाइडिंग द मशीन गार्ड्स, यस इक्विपमेंट गार्ड्स, ये सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो गए। उसके बाद में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है दोस्तों कि आपका वर्क मेथड या फिर आप किस तरीके से कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसकी एक प्रोसीजर या फिर उसका एक प्रोसेस होता है, उसको चेंज करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया। जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गए, SOPs जिसे हम बोलते हैं, राइट, ये सारी चीज़ें, या फिर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़। और लास्ट ऑप्शन कंट्रोल मैकेनिज्म में आता है, वो है PPEs का, जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर विद द हजार्ड से। मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ द लास्ट ऑप्शन और लास्ट कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम इन हजार्ड हजार्ड कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम में हम उसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो PPE जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी हजार्ड से, राइट, टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हजार्ड। सब्सिक्वेंटली दोस्तों जहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड इज़ नॉट पॉसिबल, देन आप सब्सटीट्यूशन के लिए जा सकते हो। अगर सब्सटीट्यूशन ऑफ हजार्ड इज़ नॉट पॉसिबल तो आप इंजीनियरिंग कंट्रोल को कंसिडरेशन कर सकते हो। और जहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल भी वर्कआउट नहीं होते वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बारे में सोच सकते हो। और जहाँ पे अबो ऑल कंट्रोल्स मैकेनिज्म आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली PPEs आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हजार्ड। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया या बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एज वेल एज इट्स कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो गेट एडिशनल बेनिफिट्स एंड पर्क्स फ्रॉम इट। So grab the opportunity guys, and thank you very much for joining. Thank you.